अच्छा भैया, हम बबुआ पासवान बिहार के पावन धरती कैमूर से ग्राम नेवरा से चलकर ई टैलेंट नगरी के सौजन्य हमरे नीरज भैया के देख रखे में प्रस्तुत बा। आप लोग के रउआ सबके बीच में एक भजन छोड़े जा रहा बानी शिव चर्चा के माध्यम से शंकर जी के, जो भी टूटी फूटी हुई रउआ सबसे क्षमा बा। आजा मास्टर तनी। माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से कहलिन के प्रभु आप ही हमर अविनाशी कहिला, आपका मरण कब्बो धरती पे ना होला, कौन ऐसा आपके कारण बा, कौन ऐसा बा उपाय के मतलब आप कब्बो ना मरीला, हम यही धरती पर मरीला लेकिन शादी आपे से होला। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहलन के देख ये देवी हमरा पास अमर कथा हो, ऐसे हमर अविनाशी हम कहिला। रतना बतिया भगवान भोलेनाथ कहलन माता पार्वती से, वो समय माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से कहलिन हा, का कहलिन हा, अमर कथा लागल यारा मनवा गियनवा दे, स्वामी होगी नवा दे बुढ़ऊगी नवा दे, ए अमर कथा लागल यारा मनवागी नवा, कहलन के स्वामी हमारे अमर कथा सुने का मन करत बा, हमरा के अमर कथा अमर कहानी बना के अमर बनाई दी। कहली न का अमरा बनाई हमके हृदय बसाई अपने, आवागमन करिस्ता प्रभु जी हटाई हमरे, पति सेवा सती बा करमवा गियनवा दे, रलिन के स्वामी आपका हम पत्नी रलिन हा अर्धाग्नि रलिन हा, का हमरा के अमर कथा सुना के और अमर ना बना सकत हई। अतना बतिया माता पार्वती जी भोलेनाथ से कहलन, वो समय भोलेनाथ कहलन के देखा ये पार्वती ये अमर कथा के कहानी सुन तोहरा बस के ना बा। कहलन की स्वामी हमरा के तो ये इच्छा रहा कि अमर कथा सुनाई देती तो सदा के लिए आपके साथे हो जाती, ऐसे की यही धरती पर हमार कई बार मरण होखेला जन्म होखेला लेकिन शादी आपे से होखेला, तो वह कमवा कहानी एक बार कर देती अमर कथा सुना के अमर कहानी।
माता पार्वती के कहे के ऊपर भगवान भोला तो मजबूर हो गए, कहेंगे ठीक बात, तू अगर बात के ना मनबू तो तुहरा के ऐसे जगह पर हम सुनाए के ताकि वो जगह पे कोई ना होके। माता पार्वती जी के भगवान भोला सुन सन जंगल में ले गेलन हा। शास्त्र वेद अपने त्रिशूल से कहलन की जाओ चारों तरफ चक्कर काट के आओ, कहीं अगल बगल नर नारी जीव जंतु पक्षी तो नहीं खा ना। चारों तरफ जब त्रिशूल घूम के आयल बा कहन के प्रभु अगल बगल कोई नहीं खे। माता पार्वती जी के सुन सन जंगल में भगवान भोलेनाथ अमर कथा के कहानी बतावत हुआ कैसे। कथा बताने लागे देवी जगाने लागे, होता भोरा हरिया में निदिया दबाने लागे, अरे अंडा से भागा है सुगनवा गियनवा पाके, ए बाबू रात के समय है भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की अमर कथा के कहानी बतावत हुन हो। वो समय माता पार्वती जी हूँ के हुंकारी भरत हई और अमर कथा के कहानी सुनत हईन। ठीक भोरहरी के टाइम अमर कथा के कहानी सुनत सुनत उनके नींद लग गई और सूत गेलिन। वही बीच में जहाँ अमर कथा के कहानी बतावत रहन ओकरा बगल में एक सुग्गी अंडा दिले बिया, आ धीरे धीरे सुग्गी के अंडा में से वो बच्चा के टाइम हो गया बाहर आए वाला, अपना ठोरी से मार के मुंह के बाहर कर ले ले बाये पंचो। अब पूरा कहानी जैसे जैसे माता पार्वती जी अमर कथा के कहानी सुन के हुंकारी भरत हैं हूँ के साथे साथे सुग्गी के बच्चा अमर कथा के कहानी के हूँ के हुंकारी सुन के भरत बात। आ जब भोरहरी में नींद लग गई पूरा कथा खत्म भइल, भगवान भोलेनाथ देखत बलन की तो पार्वती सुत गई नी, आखिर में अमर कथा के कहानी सुनल के आहू हूँ के हुकारी भरल के देखत बन तो एगो सुग्गा के बच्चा पूरा कहानी सुन के और हूँ हूँ के हुकारी उहे भरल। बड़ा उस समय अचरज धर्म संकट में पड़ गेलन लेकिन बड़ा क्रोध में भी हो गेलन। अपने शास्त्र वेद त्रिशूल से कहलन कि जाओ इनके तीनों लोक में कहीं जगह मत दे, जहाँ बैठे वहाँ मार डालना इसको। जैसे कि अपन शास्त्र वेद त्रिशूल के छोड़लन हाँ वो समय भैल का बाबू जी। सकती लाखे दन लागे सुग्गा पराने लागे, सरन्ना मिले कतही दिल घबराने लागे, अरे गर्मी से छूटा ता पसीनवा गियनवा पाके, आगे आगे सुग्गा के बच्चा भागल जात बा, पीछे ले त्रिशूल रखे ले जात बा, लेकिन भागल भागल सुग्गा के बच्चा गईल कहाँ। व्यासा मुनि की औरत चट पर जमाई लेती,
हवा पर बेस सुगातन में समाई घुसी श्री सुखा देव के जन्म मागियनवा पाके भागल भागल सुग्गा के बच्चा गेल बा वेद व्यास मुनि जी के आश्रम पे और भरहरी के टाइम में वेद व्यास मुनि जी टहले निकल रहलन उनकर पत्नी वही आश्रम पे चाट बिछा के बैठा रहलन हे पंचो बाबा सुग्गा के बच्चा भागल भागल गेल बा जहाँ उनकर पत्नी बैठा रहलिन अपन शरीर का पूरा रूप धारण छोड़ के और हवा रूपी उनके शरीर में प्रवेश कर गई वहीं से त्रिशूल वापस आ गया के भगवान भोलेनाथ से कहन के प्रभु हम तो उनको मार नहीं पाए वो वेद व्यास मुनि जी के पत्नी के शरीर में प्रवेश कर गेलन भगवान भोलेनाथ हंसे लगलन कहलन कि वो तो अमर कथा सुन के वो तो अमर हो गया वो मरने वाला कहाँ है चलो कोई बात नहीं आने वाला दिन में नवे दसवें माह बीतेगा उसका जब जन्म लेगा सुखदेव नाम रखा जाएगा अंतिम लाइन भैया हरेंद्र नीलम ज्ञान बताने लागे दया चर्चा नाम शिवा सबको सुनाने लागे लेखनी लाला बबुआ गावे गनवा नवा पाके अरे लखनी लाला बबुआ गावा गनवा गिया नवा पाके लाला बबुआ गावा गनवा गिया नवा पाके